हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इतनी स्वादिष्ट सब्जी बताने जा रही हूँ कि आपके बच्चों को आप टिफ़िन में डाल के देंगे तो इतनी स्वादिष्ट सब्जी है कि बच्चे आपको बार बार बोलेंगे, मम्मी मेरे को यही सब्जी टिफ़िन में दो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, थोड़ा सा तेल डाला है इसमें और उसके बाद मैंने इसमें गोभी को अच्छे से काट के धो के इसमें डाल दिया है। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी गोभी, हमें इसको अच्छे से निकालना है और उसके बाद हमें थोड़ा सा तेल में हमें आलू को, हमने दो या तीन आलू हमने इसमें पतले पतले करके बिल्कुल चॉप्ड करने के लिए डाल दिए हैं इसमें। और उसके बाद हमने ऊपर से आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है क्योंकि आलू अंदर से कच्चे न रह जाए जैसे, और ऐसे जल्दी भी गल जाएंगे। और देखिए जैसे ही ब्राउन हो गए हैं और हमें इसको तुरंत ही निकालना है। बच्चों को ये टिफ़िन में बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ये सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बनती है, कोई टाइम नहीं लगता है ये सब्ज़ी बनाने में। और उसके बाद फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के और इसमें प्याज को लंबे लंबे दो मैंने काट के रख दिया है, डाला है ब्राउन जैसे ही हल्का सा हो जाए। इसमें मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची और उसके बाद मैंने सूखा धनिया डाल दिया है और उसको अच्छे से हमें हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से हमें मिक्स करना है। और जैसे ही मिक्स हो जाए और उसको हमने दो टमाटर दो हरी मिर्ची हमने डाल दिया है और टमाटर कच्चा न रह जाए इसको धीरे धीरे हमें मतलब मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें अच्छे से इसको पानी पूरा सुखाना है जैसे टमाटर गल जाए और जो हमने आलू गोभी फ्राई की थी ना वो हमें आलू गोभी इसमें डालनी है। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया है। ये देखिए सब्जी एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना और कल से ही ये बच्चों को आप ये सब्ज़ी ज़रूर खिलाना, बच्चों को पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।